नमस्कार, मैं साक्षी शिवा और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। H3N2 वायरस का खतरा बढ़ने लगा है, इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस की तरह ही इस नए वायरस में भी ऑक्सीजन की कमी होती है, इसे लेकर जो लोग गंभीर रूप से बीमार हैं, उन्हें अलर्ट रहने को कहा गया है। H3N2 इन्फ्लुएंजा पर अलर्ट जारी किया गया। गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को ज्यादा सतर्कता बरतने के आदेश दिए गए हैं। इन्फ्लुएंजा संक्रमित मरीजों के ऑक्सीजन लेवल की मॉनिटरिंग की बात भी कही गई है। 90% से ज्यादा ऑक्सीजन लेवल गिरने पर मरीज को तत्काल भर्ती करने का निर्देश दिया गया है। इस इन्फ्लुएंजा की जद में आने वाले मरीजों को ओसेल्टामिविर दवा लेने की बात कही गई है। आपको बता दें कि हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने को कहा गया है। इसके अलावा बच्चों और बुजुर्गों को भी सावधानी बरतने को कहा गया है। एडवाइजरी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने H3N2 संक्रमण पर गाइडलाइन जारी की है। इसमें 6 महीने से 8 साल तक के बच्चों और 65 साल से अधिक उम्र वालों को ज्यादा सतर्कता बरतने की बात कही गई है। इधर जिले में हेल्थ एक्सपर्ट, एक फिजिशियन, एक एपिडेमियोलॉजिस्ट, एक पैथोलॉजिस्ट, लैब टेक्नीशियन और एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट की टीम बनाने की भी बात कही गई है। आपको बता दें कि जांच के बाद इन्फ्लुएंजा की पुष्टि होने पर रोगियों को ओसेल्टामिविर दवा दी जाएगी। पहले से बने आइसोलेशन वार्ड में 2 बेड के बीच की दूरी कम से कम 1 मीटर रखने का आदेश है। फिजिशियन डॉक्टर एसके पांडे ने बताया है कि मौसमी इन्फ्लुएंजा को लेकर घबराने की जरूरत है। यह हर साल होता है और सामान्य सर्दी जुकाम की तरह खत्म भी हो जाता है। इसमें गले में संक्रमण होता है, ज्यादातर लोगों को बिना दवा की बीमारी ठीक हो जाती है। इस बार मरीजों की अधिक संख्या है, ऐसे में वृद्ध जनों एवं बच्चों को लेकर सावधानी रखी जा रही है। कोविड के दौरान किए गए इंतजाम मौजूद है, ऐसे में मरीजों के उपचार की जरूरत पड़ी तो भी कोई समस्या नहीं होगी। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।